हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केआरबी किचन। आज हम बनाएंगे गुजराती स्टाइल मीठी दाल। सो वीडियो को एंड तक देखना, कैसे बनाना है, क्या प्रोसेस है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गुजराती स्टाइल में मीठी दाल बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल को बॉईल कर देंगे। उसके लिए हमने कुकर ले लिया है। अब हम ऐड कर देंगे एक बाउल तुअर दाल। तुअर दाल को हमने ऑलरेडी वॉश कर दिया था। अब हम ऐड कर देंगे 3 ग्लास पानी। पानी ऐड कर देने के बाद रफली चॉप प्याज, टमाटर और ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। अब हम 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड कर देंगे। नमक स्वाद अनुसार ऐड कर देंगे। ढक्कन लगा के हम दाल को 5 से 6 सीटियां लगा देंगे। छह सीटियां लग चुकी है। अब हम कुकर का ढक्कन खोल के देखेंगे दाल को। आप देख सकते हैं दाल अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब हम दाल को ब्लेंड कर देंगे ब्लेंडर की मदद से। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। दाल अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। अब हम कर देंगे वगार। उसके लिए हमने एक देग ले लिया है। उसमें हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। ऑयल ऑलरेडी हीट है। अब हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून राई। राई फूट जाने के बाद अब हम ऐड कर देंगे 3 सूखी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून जीरा, पिंच ऑफ हींग, रफली चॉप टमाटर, कड़ी पत्ता, ग्रीन चिली। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देने के बाद अब ऐड कर देंगे दाल। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम ऐड कर देंगे 1 ग्लास पानी। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देने के बाद अब हम ऐड कर देंगे कच्ची कुटी हुई मूंगफली। 1/2 कप अक्खी कच्ची मूंगफली ऐड कर देंगे। 1 कप गुड़ ऐड कर देंगे। फ्रेश चॉप धनिया ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम दाल को 2 से 3 मिनट तक के लिए स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि गुड़ अच्छे से पिघल जाए और दाल अच्छे से पक जाए। दो से तीन मिनट हो चुके हैं। दाल अच्छे से पक चुकी है और गुड़ अच्छे से पिघल चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम जो दाल की झाग है उसको निकाल देंगे। दाल की जाग हमने निकाल दी है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। दाल बनके रेडी हो चुकी है। अब हम कर देंगे सर्व। गुजराती स्टाइल में मीठी दाल बनके रेडी हो चुकी है। गार्निशिंग के लिए हमने धनिया यूज़ किया। सर्विंग में हमने चावल रखे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।